देखते रहिए कल तक। अनेक प्रकार का आज यहाँ सांसद रोजगार मेला आज लगा था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पीछे हटो तो पीछे हटो, अब ऊपर काहे चढ़ गए आप, जब सब नीचे है तो नीचे रहिए। आज सांसद रोजगार मेला ये भगवान राम की प्रसन्न कर भूमि बक्सर में लगा था, और इसमें जो कंपनी लगभग 3000 कंपनियों का एक समूह है, उसके द्वारा ये कंपनी टाटा का, बड़े बड़े अमेजोन और अनेक कंपनियों में नौकरी के लिए अभी बहुत लोगों को उसका पत्र भी निर्गत हो गया। मैंने लगभग 2 दर्जन लोगों को अपने हाथों से दिया है, और लोग शाम तक लगभग 981-82 लोग आए थे, जिसमें से सिलेक्शन शाम तक का इन्होंने 500 लोगों का टारगेट लेकर के ये आए। जो योग्य उम्मीदवार होंगे उन सबको ये नौकरी भी दे रहे हैं, जो कॉम्बेटूर या विदेश में है, जो बाहर जा रहे हैं महिलाओं की, वो महिला के लिए ही केवल वो सृजन है, तो वो कॉम्बेटूर के उस कंपनी में, इसमें ITI के भी हैं, BSc MSc, दिव्यांग लोगों को नौकरी भी मिला है बड़ी संख्या में, तो इन लोगों को वहाँ नौकरी भी मिलेगी, और जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। जो महिला कंपनी है कॉम्बेटूर में, उनको हवाई जहाज से भी जाने का, और अगले 2 महीने तक ये नौकरी के साथ साथ उनको जो व्यवस्था हो सकती है खाने पीने का, वो व्यवस्था भी करेंगे, और आगे इंश्योरेंस इत्यादि का भी इनको व्यवस्था उसमें होगा। बाबा जी, एक सवाल ये है कि राहुल गांधी लेह लद्दाख पहुंचे हुए मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया है चीन, क्या कहेंगे बाबा? क्या कर लिया चीन ने? कब्जा कई जगहों पर किया, फिंगर 5 पर अभी भी भारत का कब्जा नहीं बना हुआ है, और वो लेह घूम रहे हैं बाइक से। अरे ये अपने परनाना जी से पूछे कि उन्होंने कौन सा भूल किया था जो चीन भारत को कब्जा करने के लिए आतुर था, और उनकी गलत नीति के कारण वो सारे के सारे इनके कांग्रेस की गलत नीति के कारण हुआ था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, किसका मजाल, जो आंख दिखा करके बात करेगा तो नरेंद्र मोदी जी अपने आंख से ही आंख मिलाने का आज क्षमता नहीं है। और ये पप्पू सुन लो कान खोल करके वहां डांस कर रहे थे, कल आपने देखा है ना डांस करते हुए, ये पप्पू को देश पर भरोसा नहीं है, अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, इनको भरोसा है अपने प्राइवेट कंपनी मम्मी, वो इटालियन कंपनी पर इनको ज़्यादा भरोसा है, देश पर कोई भरोसा नहीं है। और इसलिए पप्पू आप कान खोल करके सुन लो, इस देश के अंदर किसका मजाल, जो हर भारतवासी अपने भूमि के लिए वतन दे सकता है लेकिन अपना जमीन नहीं दे सकता है, ये हर भारतवासियों के तमन्ना है, हर लोगों में वो जी, सारे लोग इस संकल्प के साथ हैं। इसलिए पप्पू आप खामखा इल्जाम मत लगाओ, और आप वहाँ गए हो वहाँ डांस करके और अपना हनीमून मना करके चले आओ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाबा 20 सेकंड में क्या बोलेंगे?